नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन इट सेज एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करो. सो वी हैव इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस आपके पास ये होगा, उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होगी एंड दैट टू परपेंडिकुलर टू इट. तो हमारा रिजल्ट कैसे निकलता है, हाफ बेस को लोगे और हाइट को लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे. ए पार्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच. बी की जगह हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे, फोर. एच की जगह हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे, थ्री. टू से फोर गया, टू आ गया आपका, टू इंटू थ्री वुड बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ए पार्ट में फिर से हाफ रहेगा एज इट इज. बेस आपका क्या माना जाएगा इस केस में, इट वुड बी 5. हाइट क्या मानी जाएगी, 3.2. सो डिवाइडिंग टू विद 3.2 यू वुड गेट 1.6. और 1.6 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, यू वुड बी मल्टीप्लाइंग इट विद 5. ठीक है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी पार्ट में हमने फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है. सो इन दिस केस माई बेस वुड बी 3 और हाइट मेरा क्या होगा, 4 होगा. सो 3 इंटू 4 इज देयर, 4 को 2 से कैंसिल करो, 2 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना कि हमारी जो हाइट होती है ना वो बाहर भी हो सकती है. दिस इज नॉट द हाइट, ये इसकी हाइट नहीं है क्योंकि ये स्लांट में. हमारी हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए. सो इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस है, बेस हमारा 3 है, हाफ इंटू बेस इज 3 एंड देन हाइट इज 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर.